तो आज हम देखेंगे पॉंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2019 का जो अपने जियोलॉजी का एंट्रेंस हुई थी उसका फर्स्ट पार्ट ठीक है तो लेते फर्स्ट क्वेश्चन। यह है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का 2019 का जो आपकी अप्लाइड जियोलॉजिक की एंट्रेंस हुई थी उसका क्वेश्चन नंबर वन तो पूछा है आइडेंटिफाइड द कंट्री वेयर मिड ओशानिक रीज इज रनिंग ऑलमोस्ट इन द मिडल पार्ट अब ऑलमोस्ट इन द मिडल पार्ट पूछा है ठीक है मैदागस्कर आइलैंड नॉर्वे या फिर ग्रीनलैंड तो इन में से कहा पर बिल्कुल जो है आपकी मिड ओशानिक रीज ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जो है मिड से रन हो रही है तो वो है आइलैंड रीजन से ठीक है देखते नेक्स्ट वन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोपो आर डिफाइंड एज तो लोपो लैको फैको ऑल आर योर कॉन्कोर्डन बॉडीज ठीक है पैरेलल टू योर बेडिंग प्लेन। तो बेड में बी योर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन और वर्टिकल सो so, लोपोलिथ क्या है इनमें से तो अगर आपने देखा होगा तो लोपोलिथ को हम बोलते हैं सॉसर शेप ठीक है नाइदर डिस्कॉर्ड और कॉनकॉर्ड तो एक्चुअली इट्स अ कॉन्कॉर्डन इग्नियस बॉडी मतलब कि पैरल टू इंट्रूजन और बेडिंग प्लेन तो ये तो नहीं हो सकता कॉन्कॉर्डन इग्नियस बॉडीज दैट ऑक्युपाइज पोजिशन इन द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ द फोल्ड तो फोल्ड के क्रेस्ट पोर्शन एंड ट्रफ में अगर कोई कॉन्कॉर्डन बॉडी अगर आ जाती है तो उसको नॉर्मली हम बोलते हैं फैकोलिथ जो लेंस ऑडल शेप के अंदर रहती है तो दिस वन इज फैकोलिथ और उन्होंने पूछा लोपोलिथ तो ये भी नहीं तो ये कॉन्कॉर्डेंट बॉडी तो है तो लोपो लैको एंड फैको आर यूर कॉन्डेंट तो कॉन्डेंट इग्नियस बॉडीड विदुरल बेसिनल बेसिन सिर्फ इज दोन विच आर इंक्लाइन टुवर्ड्सेंटर अब कॉमन सेंटर का मीनिंग है कि दोनों साइड से इंक्लाइन टुवर्ड्स दी कॉमन सेंटर इस तरह से स्ट्रक्चर है. So, है तो एक यहां पर क्योंकि कॉन्डेंट इग्नियस बॉडी है तो डिस्कॉर्डेंट नहीं पहली बात तो यह डिस्कॉर्डेंट है ही नहीं तो ऑप्शन थ्री जो है वो होता है यहाँ पर करेक्ट देखते नेक्स्ट वन ओके स्लिक एंड साइड आर टाइप ऑफ तो नॉर्मल फॉल्ट के अंदर तो ये जो फॉल्ट प्लेन है तो अलोंग द फॉल्ट प्लेन जो भी स्ट्राइश जो भी ग्रूव जो भी स्क्रैचेस और जो भी पॉलिश सरफेस हमको देखने को मिलता है उसी को हम स्लिक एंडलिक एंड साइड बोलते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर फॉल्ट प्लेन ऑप्शन थ्री जो है वो है करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं ओके द होल स्केलेटन ऑफ अ सिंपल कॉलोनी ऑफ ग्रैप्टोलाइट ठीक है अगर ग्रैप्टोलाइट के अंदर अगर सिंगल हो एक अकेला अगर ग्रैप्टोलाइट हो तो उसके स्केलेटन को हम बोलते हैं Zoid. ये क्वेश्चन इससे पहले भी सागर और पांडिचेरी में ही रिपीट हो चुका है इवन इंक्लूडिंग इन बी ठीक है लेकिन अगर पूछते हैं कॉलोनीज के अंदर अगर है तो कॉलोनीज जितने भी रहेगी ग्रैप्टोलाइट की उसके स्केलेटल को हमने बोला है रिबडोजम ऑप्शन बी इज करेक्ट देखते नेक्स्ट वन ओके okay. तो अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन स्टेट ऑफ तो ये है आपके गुजरात स्टेट के अंदर ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जिसमें पूछा है कि 98 एट परसेंट ऑफ कोल इन इंडिया कम्स फ्रॉम तो जितना भी प्रोडक्शन चल रहा है इंडिया के अंदर वो सब कौन से रीजन से है ठीक है या फिर कौन से एरिया से आप रॉक्स रॉक से है क्या अपर गोंडवाना लोअर गोंडवाना या फिर टर्शरी सीक्वेंस तो सभी को पता है गोंडवाना एंड टर्शरी के अंदर मोस्ट ऑफ द आपको कोल मिलने वाले और उनमें से अगर ज्यादा देखे तो गोंडवाना और गोंडवाना में भी अगर ज्यादा देखे तो वो है आपका फ्रॉम लोअर गोंडवाना ठीक है सबसे ज्यादा कोल सीम्स जो है वो लोअर के रॉक्स में ही है ओके ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन पूछा है कि एंडेसाइट लाइन ओके और बाउंड्री तो एक बाउंड्री है द रीजन ऑफ एंडीसिटिक वोल्केजमें से एक साइड में होगा एंडिसनिज्मिक वोलकेटेड अराउंड तो ये कहां पर है अराउंड मतलब की ऑब्वियसली बड़ा एरिया होगा कुछ इस तरह से ठीक है तो यहां पर सेंट्रल साइड शोज यू बेसोल्टिक वोलकेनिज्म एंड द एडजेंट जो मार्जिनल साइट है विच शोज यू द एंडेसिटिक वोल्केजम वो कहां पे है मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूं हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर पता हो ठीक है इसके लिए कुछ इमेजेस देख लेते हम ओके पूछा है एंडेसाइट लाइन ठीक है ये ब्रॉड ब्लू कलर की जो लाइन दिख रहे हैं दिस ब्रॉड ब्लू कलर लाइन इंडिकेट्स एंडेसाइट और इसी को हम बोलते हैं एंडेसाइड लाइन कंप्लीटली ये देखिए अब इस एंडेसाइड लाइन ने किया क्या 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 है ये सब चीजें अब क्यों फेमस है नॉर्मली आपको एक छोटा सा जॉन डी विंटर का बुक अगर रेफर करते हो तो उसके पेज नंबर आई थिंक थ्री फोर्टी टू या फिर थ्री फोर्टी थ्री पे भी आपको एक छोटा सा रेफरेंस देखने को मिल जाएगा इसका एंडेसाइट लाइन के रिलेटेड इन जॉन डी विंटर छोटा सा रेफरेंस है ज्यादा नहीं इन टेक्टोनिक्स बिल्कुल ठीक है रिफ्टिंग या फिर जो कॉन्टिनेंटल आर्क्स वगैरह होते हैं या फिर आइलैंड इसलिए फेमस है क्योंकि इट्स अ मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजनल जियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन रीजनल वाई बिकॉज ये बहुत लंबे लोकल स्केल पे नहीं इट्स ऑन द रीजनल स्केल कंप्लीटली बीच में क्या है ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन है तो इस पैसिफिक ओशन के अंदर मतलब कि दिस सेंट्रल पार्ट शोज यू द बेसाल्टिक वोलकैनिक रॉक और वोलकैनिज्म ठीक है ये वोल्केनिज्म को सेपरेट किया ये जो अब ये क्या है दिस वन इज योर सबडक्शन जोन लेकिन क्या सभी तरह से मतलब ऑल ओवर द साइड कंप्लीट सबडक्शन है नहीं ऑल ओवर द साइड से कंप्लीट नहीं आपको कहीं ना कहीं जो पैसिक जो है पार्शियली सबडक्शन देखने को मिलेगा तो बेसोल्टिक वोल्केनिज्म ने कहीं ना कहीं यहां एक एंडेज माउंटेन भी है ठीक है जहां पे साउथ अमेरिकन प्लेट और आपकी जो है एक ओशियानिक प्लेट का कोलिजन हुआ और एंडेज माउंटेन भी है लेकिन यहाँ पे बेसोल्टिक वोलकेनिज्म और इन एन एवरेज सब इधर का एक एंडेसिटिक दोनों को सेपरेट करने वाली इस ब्रॉड जो लाइन है उसको बोला गया है एंडेसिटिक लाइन सेंटर में ऑब्वियसली बेसोल्टिक वोल्केजम है पैसिफिक ओशन के अंदर और जो मार्जिनल लेवल पे ये जो मार्जिन है सभी के सभी इधर वो कॉन्टिनेंटल एरिया के ऊपर ये है आपका फेलसेटिक एंडेसिटिक इन एन एवरेज बोला जाता है सभी इधर नहीं मिलता है दैट्स बिल्कुल ठीक है तो ये है ये कहां पे अगर पूछते हैं तो इट्स इन पैसिफिक ओशन तो पूछा था हमें एंडेसाइट लाइन और एक ऐसी बाउंड्री दैट सेपरेट द रीजन ऑफ एंडेसिटिक वोल्केनिज्म फ्रॉम बेसल्टिक वोल्केनिज्म इज लोकेटेड अराउंड पैसिफिक ओशन देखते हैं नेक्स्ट वन द पोर्शन ऑफ प्लेट्यू तो आपके पास प्लेट्यू है लेकिन उसका पोर्शन विच इज सेपरेट सेपरेट कैसे होगा तो प्लेट्यू का कोई भी रीजन सेपरेट तब होता है इरोड हो जाएगा बाई मीन ऑफ रिवर एक्शन वगैरह ठीक है तो सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्लेट्यू तो अगर मेन प्लेट्यू से अगर कोई सेपरेटेड अगर चीज है तो उसको क्यों क्या बोलते हैं तो दिस वन इज योअर मेसा और उससे भी साइज में अगर कंपेरिजन में अगर छोटा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे ब्यूट तो फिलहाल देखते हैं सेपरेटेड क्या है और ऑब्वियसली रिवर की इरोजन की वजह से ही एक छोटा पार्ट होता है जो सेपरेट हो चुका है एग्जैक्ट कॉपी हो रहा था जहां पे भी ये टॉप पोर्शन भी इज फ्लैट वी कॉल इट एज एन मेसा प्लेट्यू सेपरेटेड हो चुका एरिया पूछा है लो लाइंग एरिया आपको लो एरिया के अंदर देखने मिलेंगे। ठीक है पिक आउट द डबल कार्बोनेट मिनरल ये जो वर्ड है डबल कार्बोनेट सिंगल कार्बोनेट इज है सीओ थ्री लाइक सी ए सीओ थ्री एमजी सीओ थ्री आर यूर सिंगल कार्बोनेट मिनरल ठीक है जी का भी हो जाएगा पहले थोड़ा सा पॉंडीचेरी का कंप्लीट कर लेते हैं ओके okay, क्योंकि को जो है पेपर है तो तो पिक आउट द डबल कार्बोनेट तो डोलोमाइट एरागोनाइट कैल्साइट मैग्नेसाइट सभी के सभी मोस्ट ऑफ क्या है तो एरागोनाइट और कैल्साइट क्या है आर थी किसके कैल्शियम कार्बोनेट के तो दिस इज योर सिंगल कार्बोनेट मैग्नेसाइट जाना जाता है इसके मैग्नेशियम कंटेंट के लिए तो इट्स यूर अगेन सिंगल कार्बोनेट बिल्कुल लेकिन अगर डोलोमाइट अगर देखो ना तो डोलोमाइट क्या है डोलोमाइट इज सी एम जी सीओ थ्री बाय टू है दिस इज योअर डबल कार्बोनेट मिनरोलॉजी में हो या फिर पेट्रोलॉजी में हो इसी को एक्चुअली डबल कार्बोनेट भी बोला गया डबल कार्बोनेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर फॉर डोलोमेटिक का जो स्ट्रक्चर रहता है इट इज अल्टरनेटिंग अब क्या अल्टर है यहां पर यहां पर अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर है तो अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चरल अरेजमेंट रहती है इसके अंदर कैल्शियम मैग्नेशियम अगेन कैल्शियम अगेन मैग्नेशियम के की एंड दैट्स वी सेड इट्स अ डबल कार्बोनेट एट जो है उसका अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चरल फीचर जो ये शो करता है इसलिए ऑथर्स द्वारा बहुत बार डोलोमाइट को ही डबल कार्बोनेट मिनरल भी बोला जाता है ऑप्शन ए इज करेक्ट या फिर फर्स्ट इज करेक्ट देखते हैं नेक्स्ट वन ओके द अपर सरफेस ऑफ वॉटर ठीक है लेकिन ये वॉटर कहां पर है इन कन्फाइंड एक्वीफर तो आपके पास कन्फाइंड एक्वीफर कहां पर रहता है दिस वन इज योर यूर एक्वीफर ऊपर के साइड में इनपर्व्य स्ट्राटा और इनपरव्यूस लेयर देन वी हैव कन्फाइंड एक्वीफर ओके बट कन्फाइंड एक्वीफर का टॉप मोस्ट पोर्शन अगर हम कंसिडर करें या फिर अनकनफाइंड भी टॉप मोस्ट अगर देखे तो कुछ अलग चीज है लेकिन इन्होंने बोला कि अपर सरफेस ऑफ वाटर अब देखिए कन्फाइंड एक्वीफर का अपर सरफेस ऑफ वाटर कहां पे रहता है एक और रीजन रहता है जो सरफेस के ऊपर रहता है ठीक है जमीन के ऊपर भी कभी कभी जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंडर जो लेयर फॉर्म होती है उसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं अपर सरफेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर भी बोल देते हैं एक इमेज देख लेते हैं उसके बाद बाकी चीजें थोड़ा सा क्लियर करेंगे

Confined aquifer. Okay, तो ये जो है, जैसे, जैसे, जैसे पिजोमेट्रिक सर्फेस इन कन्फाइंड बोला गया है तो क्वेश्चन में हमको पूछा था कि भाई अपर सर्फिस ऑफ वॉटर इन कन्फाइंड एक्र तो कन्फाइंड एक्विफर के अंदर का सबसे टॉप मोस्ट अपर सर्फिस किस को इंडिकेट करते हैं बाय ऑथर्स द्वारा बिल्कुल तो वो करते हैं पिजोमेट्रिक सर्फेस को ठीक है एक और इमेज दिखा देता हूँ लगे तो शायद आ नहीं रही है चलिए तो अपर सर्फेस ऑफ वॉटर इन किसे हम बोलेंगे फर्स्ट लेयर पिजोमेट्रिक लेयर प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर नहीं जो परफेक्ट टर्म यूज है बाई हाइड्रोजोलॉजिस्ट वो है पिजोमेट्रिक लेयर नहीं तो इसके अपर सर्फेस को क्या बोलोगे कहीं नहीं है ओके तो यहां पे ऑप्शन जो है सेकेंड वो था करेक्ट देखते नेक्स्ट वन गुड मॉर्निंग ऋतिक ओके ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे पूछा है कि भाई कॉन्टिनेंटल मार्जिन किसको हम बोलेंगे पोर्शन कवर बाय कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज को बोलना है क्या या फिर ओशियनिक पार्ट कवर्ड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप को बोलना है क्या या फिर कॉन्टिनेंटल राइज एंड मिड में द एरिया कवर्ड बाय कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड अबेसल फ्लोर तो पूछा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन सिर्फ मार्जिन कॉन्टिनेंट की मार्जिन कहां तक होती है तो एक इमेज दिखा देता हूं उसके बाद ऑप्शंस फिर से एक बार देखेंगे अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये जो रीजन रहता है ठीक है continental shelf, और अगर देखे तो कॉन्टिनेंटल राइज या फिर जो स्लोप है अच्छे से बिल्कुल स्लोप ले ले एंड होगा तब तक तो शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल राइज तक का जो रीजन है उसको हमने कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोला है लेकिन जो है आपका टू द रीजन इज योर कॉन्टिनेंटल टेरे दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है यहां पे पूछा है मार्जिन तो आपके पास ऑप्शन है, कि portion जो है continental slope and continental rise, एक ये, लेकिन continental shelf पे गया फिर? नहीं है यहां पे। ओशानिक पार्ट जो कवर्ड शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप के साथ तो हा यहां पे एक ओशानिक पार्ट तो है जो एक्चुअली कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल अगर हम देखें तो इन्होंने बिल्कुल स्लोप कंसिडर किया है तो कॉन्टिनेंटल स्लोप ठीक है अब एंड यहां पे होता है थोड़ा सा आगे तक इसलिए हम इसको मार्जिन भी मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर करते हैं कॉन्टिनेंटल एंड एंड मिड मिड राइज का कोई लेना देना नहीं एरिया कवर्ड बाय कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड अबेसल प्लेन स्लोप एंड अबेसल प्लेन का नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्टार्ट होता है तो अब कहीं ना कहीं जो आंसर जो बनता है वो सेकंड ठीक है ओशनिक पार्ट कवर्ड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप तो ऑब्वियसली इसको एंड तक देखना पड़ता है ऑप्शन जो था सेकंड विच इज करेक्ट गुड मॉर्निंग अभिषेक देखते नेक्स्ट वन ओके okay. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे पूछा है यंगेस्ट ओशियानी क्रस्ट इज फाउंड नियर और द अलोंग तो कहां पे हमें यंगेस्ट ओशानिक क्रस देखने को मिलता है जहां पे मिड ओशानिक रीच रहती है तो अलोंग द मिड हमेशा ही नया फॉर्म होता है सबडक्शन में तो ऑब्वियसली उसको कोलैप्स होना है या फिर सबमर्ज होना है और पूरा पूरा वहां पे डिस्ट्रक्शन होना है अलोंग द मिड ओशानिक रीच ही हमेशा यंगेस्ट रहता है और जैसे जैसे मिड ओशानिक रीच ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट अलोंग बोथ साइड जो है वो मूव होना स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली जो रॉक पहले यहां पर फॉर्म हुआ वो ऑटोमेटिकली ओल्डर होना कंपेरेटिवली टू द सेंट्रल वन स्टार्ट होता है तो हमेशा सेंट्रल पार्ट वाला ही यंगर रहेगा इससे जो दूर जाएगा ऑब्वियसली वो ओल्डर ही रहेगा सेम विथ द डेंसिटी है जो रॉक यंगर है मतलब कि एट द मिड ओशनिक्रीच सेंट्रल पार्ट पे है वो लेस डेंस है जैसे जैसे वो मिड ओशनिक्रीच से दूर 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 जाएगा इसकी डेंसिटी जो काउंट की गई वो हाइयर डेंस है एज द देंट्रल वन बोथ साइड एज भी ओल्ड होता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी देखते नेक्स्ट वन नेक्स्ट so है पैराबोलिक ड्यून पैराबोलिक ड्यून कहां पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जहां पे विंड डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग के पोर्शन रहता है दिस आर योर पैराबोलिक अगर इसके अपोजिट हो तो वो हो गया आपका बार्कन पूछा है इन अ पैराबोलिक ड्यून हॉर्न 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 दिस पोर्शन पॉइंटेड वन इज नोन एज हॉर्नस ठीक है अब पूछा है कि इट्स हॉर्न पॉइंटिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड मतलब कि कि क्या इस में है नहीं अगर ऐसा downward अगर ऐसा रहता तो मतलब पैरों की के तरफ की के, जो साइड रहती है वो तो वन पॉइंट और वन हॉर्न पॉइंट लीवर्ड एंड अनादर पॉइंटिंग अपवर्ड ऐसा कुछ नहीं है ये कुछ इस तरह से नहीं है अगर विंड डायरेक्शन है एक अपसाइड है एक डाउन साइड ऐसा कुछ नहीं रहता इसके अंदर तो ये भी ऑप्शन कट हॉर्न पॉइंट अपड डायरेक्शन में और अपन स्टेटमेंट इट्स हॉर्न पॉइंट लीवर्ड साइड नहीं हॉर्न डाउनवर्ड या फिर अगर लीवर्ड साइड में अगर पॉइंट करते मतलब के अगर यही है अगर ऐसा रहता तो ये आपका बारकन बन जाता ठीक है बट इट्स नॉट बार्कन इट्स योर पैराबोलिक ड्यून ओके तो ऑप्शन थर्ड जो है वो है करेक्ट एक इमेज भी देख लेते हैं हम ओके okay, तो यह आपका पैराबोलिक ड्यून जिसके अंदर जो है हॉर्न्स आर पॉइंटिंग अप वर्ड और विंड वर्ड साइड बिल्कुल ठीक है तो दिस इज योर हॉर्न ये है पॉइंट वाले हॉर्न तो ये पॉइंट कर रहे हैं विंड वर्ड या फिर अप विंड डायरेक्शन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट वन स्लाइडिंग पास ऑफ टू क्रस्टल प्लेट इन अपोजिट डायरेक्शन तो सभी को पता है हम इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं ठीक है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एक बैकवर्ड डायरेक्शन में है ओके सो स्लाइडिंग पास्ट ऑफ टू क्रस्टल प्लेट इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज कॉन्वर्जेंट नहीं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं बिल्कुल इस सेम डायरेक्शन में बिल्कुल आ जाएंगे डायवर्जन अपोजिट डायरेक्शन में तो जाते हैं बट ये स्लाइड नहीं होते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के अंदर इट शोज अन स्लाइडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो ऑप्शन थर्ड जो है वो है करेक्ट ओके okay. सीआईपीडब्ल्यू केमिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक केमिकल एंड मिनरलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक या फिर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक ठीक है क्या हो सकता है आंसर ऑब्वियसली बी इट्स केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक देखते नेक्स्ट वन ओके क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन चेक कर लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल साइज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मेटामो इज क्लासीड एज बेडिंग के अंदर किसी पार्टिकल की साइज चेंज होंगी क्या अलॉन्ग द मेटामोर्फिज नहीं बेडिंग में नहीं रिक्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपके पार्टिकल की साइज कहीं ना कहीं चेंज होने को तो आपको देखने को मिलती है फिर वो रिक्रिस्टलाइजन के टाइम पे आपका कैलसाइट हो जो लाइमस्टोन टू मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या फिर आपका सैंडस्टोन टू कॉर्जेड हो जहां पे ऑब्वियसली पोर को श्रिंक ही होना है गायब ही होना है क्योंकि यह मेटामॉर्फिक रॉक है तो जो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिकल की साइज हमेशा आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेगी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे पूछा है वेन द डीप ऑफ द लेयर इज मेजर इन एनी अदर डायरेक्शन विच इज नॉट एट द राइट एंगल टू इट स्ट्राइक डायरेक्शन तो हमें सबको पता है कि स्ट्राइक को परपेंडिकुलर क्या दिस इज योर स्ट्राइक डायरेक्शन को परपेंडिकुलर क्या आती है डीप डायरेक्शन रहती है हमेशा ही बिल्कुल अब इन्होंने पूछा वेन डीप लेयर इज इन एनी अदर डायरेक्शन विच इज नॉट एट द राइट एंगल टू द स्ट्राइक तो स्ट्राइक को राइट right एंगल नहीं है हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में, में तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एपरेंट डीप ठीक है एंड एपरन डीप इज ऑलवेज लेस देन योर ट्रू डीप हमेशा है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड हर एक ड्रेनेज पैटर्न को कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है जब हाइड्रोजियोलॉजी वाला हमने पार्ट लिया था उसके अंदर भी और जो हमने लास्ट में ड्रेनेज सिस्टम का जो और ड्रेनेज पैटर्न वाला जो पार्ट लिया था तो ड्रेनेज पैटर्न के अंदर स्पेशली ये पार्ट लिया था अगर आप देख सकते हो जियोमोर्फोलॉजी के अंदर आपको ड्रेनेज पैटर्न के अंदर दिख जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर वहां पर कौन कौन से फीचर और क्या एग्जैक्टली स्ट्रक्चरली कंट्रोल करता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अगर भूल गए हो तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आपके पास कुछ ड्रेनेज पैटर्न है और उन ड्रेनेज पैटर्न को दिस इज द मीनिंग ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न मतलब डिस्क्रिप्शन ये है आपके स्ट्रक्चरल और जियोलॉजिकल कंट्रोल्स क्या exactly चीज़ चीजें जो उनको कंट्रोल करते हैं अब ऑप्शंस कौन कौन से थे वो भी सा देख लेते कंपेरेटिवली ठीक है शायद आप थोड़ा सा इजी जाए सब आई होप कि दिख रहा है चलिए तो पूछा है सबसे पहले रेडियल पैटर्न को अब पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विच इज नॉट स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड मतलब कि बाकी के तीन जो होंगे चार ऑप्शन में से वो स्ट्रक्चरली अच्छे से कंट्रोल्ड है ठीक है सो so, पहला है रेडियल पैटर्न कहां पे रेडियल ये है कैसे फॉर्म होता है स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट और रीजन कहाँ पे रहता है ये सेंट्रल पॉइंट जो आपके एक्सटेंड हो चुके मोस्टली वोल रहते हैं या फिर डोम शेप जो रहते हैं यहाँ पे तो सेंट्रल पॉइंट से आउटवर्ड साइड में बिल्कुल जो भी स्ट्रीम निकलती है दिस पैटर्न जिसको हम बोलते हैं अगर सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ अगर पॉइंटिंग अगर करो तो दिस इज नोन एज योर और इसको ब्रांच भी दिखा सकते हो ताकि पता चले कि इट्स अ हायर एलिवेशन पोर्शन ठीक है तो दिस आर योर रेडियल पैटर्न तो क्या इसको कोई जियोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरल कंट्रोल कंट्रोल करता है तो वोल क्या कौन से डोम्स है इट्स अ स्ट्रक्चर ठीक है और रेसिडुअल इरोजनल फीचर्स है तो ये ये सभी जो जो चीजें हैं या फिर स्ट्रक्चर्स ये, ये कहीं ना कहीं इसके पैटर्न को कंट्रोल कर रहे हैं तो इन्होंने नॉट बोला लेकिन रेडियल पैटर्न कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली कंट्रोल होता है नेक्स्ट देखते हैं एंगुलेट कहां पर है एंगुलेट ये रहा आपका एंगुलेट ओके, okay. एंगुलेट का मीनिंग क्या होता है स्ट्रीम्स जॉइंड एट एक्यूट एंगल लेकिन एक्यूट कनेक्ट होती है तो इट्स यूर एंग okay. अगर आपको डिटेल में देखना हो तो कंप्लीट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है प्लेज के अंदर आप कंप्लीटली देख सकते हो तो, अभी फिलहाल हमें सिर्फ क्वेश्चन फोकस करना है सब चार के ऊपर ज्वाइंट एंड फ्रैक्चर क्या है स्ट्रक्चर से ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के अंदर ज्वाइंट एंड फ्रैक्चर देखते हैं तो ज्वाइंट एंड फ्रैक्चर एट एक्ट एंगल टू टूच अदर अगर है इस तरह के, के जियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल के वजह से इस तरह के पैटर्न और जियोमेट्रिकल पैटर्न फॉर्म होते हैं मतलब के एंगुलेट पैटर्न भी एक तरह से स्ट्रक्चरली इसको देखो कंट्रोल और जियोलॉजिकल कंट्रोल दोनों बोला गया है बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स इसके लिए सिर्फ टर्म के अंदर कंफ्यूज मत होना तो एंगुलट पैटर्न को भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ही कंट्रोल करता है रेडियल पैटर्न को भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ही कंट्रोल करता है इन्होंने नॉट पूछा अब आते हैं ट्रेलिस के ऊपर क्या है ट्रेलिस ये है ट्रेलिस मेन स्ट्रीम रनिंग पैरल एंड माइनर ट्रिब्यूटरीज द मेन स्ट्रीम नियरली एट द राइट एंगल ठीक है मेन स्ट्रीम तो यहां चल रही है और पैरल ही चलती है बहुत सारी मेन स्ट्रीम लेकिन जो सब स्ट्रीम होती है आर टू द मेन स्ट्रीम एट एट राइट एंगल अगर ऐसा यहां पर एक्यूट था यहां पर जो है वो है राइट right एंगल अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रेलिस पैटर्न इसको क्या कोई चीज स्ट्रक्चरली कंट्रोल करती है तो बोला है डीपिंग और फोल्डेड सेडिमेंट्री और लो ग्रेड मेटा सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं वो और एरिया ऑफ पैरल फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर्स और फोल्डेड रॉक्स आर इट सेल्फ स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर ठीक है तो हां ट्रेलिस पैटर्न को भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली कंट्रोल किया जाता है ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर में डिफरेंस ओके ट्रेलिस के अंदर मेन स्ट्रीम इज स्ट्रेट एंड दब स्ट्रीम इज कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम एट एन राइट एंगल रेक्टेंगल के अंदर आपकी मेन स्ट्रीम जो है ना मेन स्ट्रीम ही रेक्टेंगुलरली बेंड होती है यहां पे सब स्ट्रीम नाइंटी डिग्री पे बिल्कुल जो है वो कनेक्ट हो रही है रेक्टेंगल के अंदर आपकी मेन स्ट्रीम ही रेक्टेंगुलर शेप में मतलब की नाइनटी डिग्री टर्न लेगी ओके मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर लास्ट बचा जैसे कि मैं बता देता हूं यह आपका रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर में क्या है स्ट्रीम्स हैविंग राइट एंगल बैंड यहां पे जो है ट्रेलिस के तरह पे मेन स्ट्रीम रनिंग पैरेलल एंड माइनर ट्रिब्यूटरीज मतलब कि सब स्ट्रीम कैसे किस तरह से कनेक्ट हो रही है ये नहीं पूछ रहे हैं रेक्टेंगुलर के अंदर मेन स्ट्रीम ही राइट एंगल में बेंड होती है तो क्या रेक्टेंगुलर को भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली कंट्रोल किया जाता है यस जॉइंट्स एंड फ्रैक्चर रॉक जो होते हैं जॉइंट्स और फॉल्ट ये दोनों स्ट्रक्चर है अगर ये होंगे तभी इस तरह के फीचर्स जो है वो फॉर्म हो गए पैटर्न फॉर्म होंगे बचा क्या डेंडिटी अगर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं ओके okay, तो डेंडिटिक पैटर्न लास्ट में बचा है और उन्होंने बोला था नॉट कहां पे है dandritic? ये फर्स्ट कहा क्या रहता है डेंडिटी सभी को पता है ब्रांच लाइक अपीयरेंस रहता है इट्स एन इररेगुलर ब्रांचिंग ऑफ स्ट्रिंग रिसेंबलिंग एंड ट्री ओके क्या कंट्रोल क्या करता है होमोजेनियस मटेरियल मतलब एक ही तरह का रॉक चाहिए उस एरिया के अंदर हो सकता है सेडिमेंटरी हो हो सकता है, हो सकता है kind of है इग्नियस मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन रॉक मोस्टली प्रेफरेबल फॉर दिस काइंड ऑफ रीजन हॉरिजॉन्टल बेड है जेंटल स्लोप रीजन है तो ये स्लोप है सिर्फ स्लोप इग्नियस रॉक का भी हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक का भी हो सकता है सेडिमेंटरी रॉक का भी हो सकता है क्रिस्टलाइन रॉक स्पेशली वी जो क्लासिफाई करते हैं टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी वॉलों का अगर देखे तो इग्नियस रॉक के लिए स्ट्रक्चरल कंट्रोल नहीं बोला यहाँ पे स्ट्रक्चरल मतलब क्या वहां पे कोई फ्रैक्चर है जॉइंट है फॉल्ट है फोल्ड है कहीं भी किसी का जिक्र यहां पे नहीं है तो इन्होंने पूछा वन ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट स्ट्रक्चरली कंट्रोल तो कौन सी बच अब डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न इज वन विच इज नॉट स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड ठीक है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चैनल पे पहले ही अवेलेबल है आप प्लेलिस्ट के अंदर जो के प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली चेक कर लेना देखते हैं नेक्स्ट वन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी किसके रिलेटेड है आइसो का मीनिंग क्या है मतलब कि इक्वल और स्टैसी मतलब के स्टैंडिंग तो यहां पे इक्वल स्टैंडिंग रहना बहुत जरूरी है तो इक्वल बैलेंस इक्वल प्रेशर नहीं इक्वल टेम्परेचर नहीं इक्वल प्रेसिपिटेशन नहीं इट्स अट इक्वल बैलेंस फर्स्ट जो है वो एक करेक्ट ओके द आइसोमेट्रिक सिस्टम इज इसशियली कैरेक्टराइज बाय अब इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रीज आपको बहुत बार पूछे होंगे ठीक है so, सो जिन्हें पता है डायरेक्ट आंसर दे सकते हो जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं ट्राई करता हूं एक इमेज लेने का ओके okay. तो ये रहा आपके सामने एक इमेज आप देख के भी आंसर बता सकते हो मान लीजिए बहुत सारे लोगों को पता है कि आंसर पता है इसका क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है आज तक बहुत बार पूछ चुके हैं लेकिन जो नए स्टूडेंट्स है अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं या फिर क्रिस्टोग्राफी जिनको थोड़ा सा हार्ड लगता है उनके लिए ठीक है तो ये आपके पास एक चार्ट रहना चाहिए हमेशा रेडी जहां पर पूछा है कि भाई आइसोमेट्रिक सिस्टम इज इस इसशियली कैरेक्टराइज बाय इनमें से कौन सा सिमेट्री फीचर कैरेक्टराइज बाय आइसोमेट्रिक ही रहेगा

अगर आपके पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी बिटवीन कहां पे था ठीक है रिफ्टेड कॉन्टिनेंट ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका नहीं सभी को पता है टेथियन सी का कहीं ना कहीं जो रिलेशन है कई इंडिया एंड तिबेट का जब कोलिजन हुआ है इन दोनों के बीच में सी के जो जो है वो सेडिमेंट्स या फिर जो नहीं रिफ्टेड कॉन्टिनेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्टिका तो यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया यहां पर अंटार्टिका कोई लेना देना नहीं इसका पोजिशन कहीं और जगह पे है रिफ्टेड कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका तो यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में इसका पोजीशन ही नहीं जियोग्राफिकल पोजीशन ही नहीं था रिफ्टेड है तो सकते हैं कि गोंडवाना मतलब से जब सेपरेट हुआ था और लॉरिशिया तो इन दोनों के बीच में एक भी एक छोटा सा सी था जिसको बिल्कुल आ, गया था, ये बोल सकते हैं अब एग्जैक्टली परफेक्टली सेंटर में नहीं आता है ऑप्शन फोर जो है वह करेक्ट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जहां पर पूछा है ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड लिव अभी वर्टिब्रेट है वर्टिब्रेट के अंदर बहुत सारे क्लासेस है तो ये है क्लास एवस के अंदर आने वाला एवज मतलब के बर्ड्स तो ये एक तरह से वर्टिब्रेट बर्ड्स है वही रहता है दोनों का मीनिंग अब ये आपको पीसी जैन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा क्लार्कसन के अंदर भी अमल गुप्ता के अंदर देख लीजिए कौन सा पेज पे है बिल्कुल ठीक है तो पूछा है कि ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल पीरियड डिड ठीक है तो कौन से ट्रायसिक परमियन जुरासिक क्रिटेशियस अब ये बर्ड तो है लेकिन ये बर्ड डायनासोर फैमिली से बिलोंग करता है मतलब के बर्ड लाइक डायनासोर ठीक है तो पहले पहले इसकी इमेज देख लेंगे अगर डायनासोर आपको पता चल गया तो आपको पता है ट्रायसिक जुरासिक एंड क्रिटेशियस तो डायनासोर सबसे ज्यादा टाइम कहां पर रहे थे सभी को पता है इसके इमेजेस भी हम देख लेते हैं ओके मतलब कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आर्कियोटेरिक्स के जगह पे जानबूझ के जानबूझ के सेम क्वेश्चन तो रिपीट करना है बट अब सेम जैसे कि वैसे तो नहीं डाल सकते तो क्या करेंगे वो इसका ऑथर द्वारा पीसी जो या फिर मान लीजिए कि अमलदास गुप्ता और बाकी के पैलेंटोलॉजी की बुक्स के अंदर बुक अंदर इवन क्लास के इसको एक अल्टरनेट नाम से भी बोला गया है जस्ट अकॉर्डिंग टू ऑथर रीजनल जर्मन में क्योंकि फेमस नाम है इसी को हम उर्वो जेल भी बोलते हैं ठीक है सो so, पूछा है कि ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड आर्क्योटेरिक्स लिव कौन से पीरियड में रहा था इट्स इन जुरासिक जो है ऑफ सभी को पता है रेडिएशन कब है ट्राइसिक में तो जस्ट आए थे जुरासिक में रेडिट हुए में तो द एंड चले गए ठीक है इसकी इमेज भी देख लेते लगे तो ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया आ जाए ठीक है इट्स अ बर्ड लाइक डायनासोर याद रखना ये था आपका क्वेश्चन आर्कियोटेरिक्स एक बर्ड लाइक डायनासोर इजीली कौन से भी बुक में आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा क्लियरली इट्स इन जुरासिक टाइम ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन ऑप्शन थ्री जो है वो था करेक्ट ओके, अ प्लॉट ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम इज नोन एज अब इसका जिक्र हमने हाइड्रोजियोलॉजी के जो चल रहा था लाइव स्ट्रीम उसके अंदर लिया था तो मैं आपको पहले इमेजेस दिखा देता हूं तो ये रहता है कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ ठीक है और ये क्या है इट्स अ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस क्या है टाइम और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं प्लॉट ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम तो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम वाला ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं ये पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक है ऑब्वियसली यहां पे कोई नाम तो मेंशन नहीं आपके लिए तो इसको हम बोलते है, हैं हाइटोग्राफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम देखते नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई is an ore mineral of. क्या आयरन का है, iron का, copper का या फिर lead का देखो जितने भी ओर ड्राइव के ऊपर है फिर वो copper के हो आयरन के हो सभी के एक बार पढ़ लेना एग्जाम से पहले ओके okay. पायरोलोसाइड किसका ओर है तो ऑब्वियसली इट्स ओर ऑफ योर मैंगनीज ठीक है एम एन ओ टू वाला देखते नेक्स्ट वन लाइन ऑफ मैग्जिम कर रहेगा उस लाइन को या फिर उस पॉइंट को फोल्ड के अंदर क्या बोलते हैं तो ऑब्वियसली तो उसको बोलते हैं हिंज ठीक है लेकिन वही अगर बोलना है कि लाइन और पॉइंट ऑफ मैग्जिम एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड तो जमीन से सबसे ऊपर अगर है तो इट्स यूर क्रेस्ट ओके तो ये रहा आपका पॉइंट ये रहा आपका क्रेस पॉइंट ठीक है सो पॉइंट और लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन फोल्ड इज नॉन एज योर हिंज लाइन और हिंज पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख के ही आधे लोगों का आंसर पता चल गया होगा ओके हट्टी गोल्ड माइन आर लोकेटेड इन विच स्टेट एवरीवन वन नोस कर्नाटका ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एंट्रेंस की स्ट्रीम ली है उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर इंटरफेशियल एंगल ऑफ क्रिस्टल कैन बी मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलीपर तो जिसमें बहुत ज्यादा यूज किया होगा स्क्रू गेज ये भी कॉन्टेक्ट गोनियोमीटर तो हां कॉन्टेक्ट गोनियोमीटर से हम इंटरफेशियल एंगल जो है क्रिस्टल के अंदर का वो हमेशा काउंट करते हैं करेक्ट इट्स रिलेटेड टू धारवा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी एट अब पूछा है वन ऑफ द कॉमन फॉर्म फॉर्म पुरा किसका system का सिस्टम का दैट शोज एन ओपन फॉर्म ऑर्थोरम्बिक सिस्टम के अंदर बहुत सारे फॉर्म में से एक ही फॉर्म बताना इनमें से जो कि ओपन होगा ये क्लोज नहीं होना चाहिए तो देखो प्रिज्म डोम पिनेकोइड डोम ये सभी क्या है ऑल आर ओपन फॉर्म प्रिजम भी ओपन फॉर्म है डोम भी ओपन फॉर्म है, है और अगेन डोम अगेन ओपन फॉर्म है लेकिन यह फॉर्म ओपन फॉर्म कैसा होना चाहिए रहते हैं क्या नहीं प्रिजम के अंदर तीन चार पाँच छ आठ और बारह डोम के अंदर दो फेसेस रहते हैं क्या हार रहते हैं पिनाकॉइड के अंदर हार रहते हैं डोम के अंदर हार रहते हैं ऑप्शन वैसे कट हो गया इच फेस इज पैरल टू द एक्सिस देखो फेस का पैरल होना डोम के अंदर रहेगा डोम के डोम ऑटोमेटिकली आंसर तो निकल गया ब्रैक मतलब कि अगर यहां तक अगर पढ़ते हैं ऑब्वियसली हमने क्लोज फ्रेंड ओपन फॉर्म लिया है उसके अंदर हमने देखा था तो डायरेक्टली पिनाकॉइड जो बचता है वो अब पिनाकॉइड कम बोलते हैं व्हेन टू पैरल फेसेस दैट टू पैरल फेसेस में भी सिर्फ अगर यहां पर तक देखें सिर्फ पिनाकॉइड तक द पैरल फेसेस में भी टॉप एंड बॉटम वाला हो सकता है पैरल फेसेस में भी राइट एंड लेफ्ट वाला हो सकता है पैरल फेस में भी फ्रंट एंड बैक वाला हो सकता है तो भाई दो पैरल फेसेस चाहिए और कंप्लीटली ओपन फॉर्म चाहिए

हम दो फेसेस ब्रैकी और ए एक्सिस बी एक्सिस सी एक्सिस इनमें से किस एक्सिस को ब्रैकी एक्सिस बोला है तो भाई ओल्ड जो सबसे अच्छी बुक है दाना आपके पास जो हो आप उसको प्रिफर करें है, कोरेगावे है या फिर जो हो तो ऑर्थोरंबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमने ए एक्सिस को बोला है ब्रैकी और ब्रैची एक्सिस रीजन मतलब ऑथर ने ऐसा क्यों बोला बिकॉज इट्स और इट मस्ट शॉर्ट इन लेंथ मतलब कि अब क्योंकि ऑथर द्वारा ये सब चीजें बोल गए, मतलब गईसली डूट क्रिस्टलोग्राफर अब आप बी को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं सब कुछ बदल जाएगा बी को ऑर्थोरम्बिक में बोला गया है मैक्रो ओ मैक्रो एक्सिस मतलब के लॉन्ग वाला लेकिन क्या ये सच में लॉन्ग रहता है लॉन्गेस्ट इज सी लॉन्गेस्ट इज सी ऑप्शन तो आपका थ्री करेक्ट है अब ए एक्सिस इज योर ब्रैकी एक्सिस ओके एंड मीट द अदर टू एक्सिस इज नोन एज अब बोला क्या है मीट अदर टू एक्सिस ये क्या बोल रहा है इच फेस इज पैरल टू द ब्रैकि एक्सिस ब्रैकी एक्सिस किसको बोलते हैं हम ए एक्सिस को कहा पे ए एक्सिस ये रहा आपका ए एक्सिस तो ए एक्सिस को क्या हो रहा है ये पैरल है तो ये एक्सिस पे यहां पे पैरलिजम दिखा रहा है क्या ए एक्सिस को नहीं ये तो ये एक्सिस को ये फेसेस तो कट कर रहे हैं तो कहां टू एक्सिस... एक्सिस बैक तो फ्रंट टू बैक अगर रन होता है तो इसको पैरल फेस कैसे रहना चाहिए कुछ इस तरह से मतलब के ये जो सिचुएशन दिख रही है आपको ये रहा आपका ए एक्सिस ये बी को कट कर रहा है ठीक है बी को तो कट कर रहा है ए एक्सिस बी को कट कर रहा है ए एक्सिस को पैरल है मतलब बी को कट कर रहा है मतलब कि वन और सी को भी पैरल है मतलब के एक तरह से हम बोल सकते है कि और परफेक्टली जब इस तरह से रहेगा मतलब कि टू पैरल फेसेस का ओरिएंटेशन और पोजीशन कुछ अगर इस तरह से रहेगा तो हम इनको बोलेंगे ब्रैकी पिनाको क्योंकि लास्ट में बोला है मीट द अदर टू कौन सा ए एंड सी वाई बिकॉज ब्रैकी ए को बोला तो बी एंड सी एक्सिस को बिल्कुल वो मीट करता है कुछ इस तरह से बिल्कुल ठीक है तो ये रहा इसको हम बोलते हैं ब्रैकी पिनोकॉइड तो हर एक के अलग अलग नाम है यहां पर ओके okay. तो याद रखना पिनोकॉइड तो ऑप्शन सी तो करेक्ट था लेकिन ओरिएंटेशन किस तरह से है इसके अकॉर्डिंग सब चीजें रहेगी अगर मान लो आप नॉर्मली इस तरह से अगर पूछे तो ये क्या कौन सा पीना ये भी पिनाकॉइड है बट इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं बेसल तो ये क्या हुआ इट्स बेसल पिनाइड क्या रहेगा सिंबल जीरो जीरो को भी समझता है अगर यही फ्रंट एंड बैक ए को कट कर रहा है बिल्कुल ये भी आपका पिनाकॉइड ही है लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये किसको पैरल है ये बी को पैरल है एंड वी कॉल्ड इट एज मैक्रो पीने कॉइड और वही अगर जिस तरह से हमने पहले देखा अभी बिल्कुल बी एक्सिस को कट कर रहा है एक और सी को पैरल है तो ऐसे में इसका नाम हमने क्या रखा था बिल्कुल तो दिस वन इज Okay. तो ये थे आपके क्लियर तो वैसे यहां तक ही हो गया आंसर जो मिल गया आपका पिनाकॉइड भी रहने वाला है वो भी ब्रैकिक पिनाकॉइड वो यहां तक के स्टेटमेंट के अंदर आगे का थोड़ा सा अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो है वो है करेक्ट यहां पर देखते नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉडर्न सबमरीन फैन तो हां बहुत सारे सबमरीन फैन है बंगाल में भी है नाइल में भी है लाजोला में भी है एंड अमेजन फैन भी है चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं कंपेरेटिवली हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर पता हो जिन्हें पता है लाइव चैट में बिल्कुल आंसर बता दीजिए जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक इमेज ले लेते हैं हम ठीक है ओके okay. देखिए ये सबके सम जो है वो आपके सब मरीन फैन ही है हम्म साइज में दैट पिंक कलर जो इंडिकेट कर रहा है ना सबमरीन फैंस तो यहां पे भी है ये देखो सब मरीन फैंस कितना बड़ा है मतलब के इंडिया के लेंथ के नजदीक तो बिल्कुल है यहां पे भी है बाकी तो छोटे है साइज में तो अब इंडिया के यहां पे इस रीजन को या फिर इस रीजन के फैन का नाम क्या है सभी को पता आप बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने देखा पहले और इस साइड में जो फैन है आपका इसको हम बोलते हैं बंगाल फैन ठीक है बे ऑफ बंगाल के अंदर अब दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो यही है क्या है आपका आंसर इंडिया आइडेंटिफाई दर्ल्ड लार्जेस्ट मॉडर्न सबमरीन फैन सबसे लार्जेस्ट बेंगाल फैन ऑप्शन वन जो है वो होता है करेक्ट देखते हैं नेक्स्ट वन द मंसर फॉर्मेशन बिलोंग्स टू आमगांव ग्रुप साकुली ग्रुप सौसर ग्रुप या फिर चिल्पी घाट ग्रुप तो मंसर ऑब्वियसली मैंगनीज के लिए फेमस है इट्स इन सॉसर ग्रुप ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जहां पे पूछा है कि इन पेनेडियोमोर्फिक फैब्रिक मतलब के अरेंजमेंट ऑफ टेक्सचर द क्रिस्टल ऑफ इग्नियस रॉक शोज तो देखिए पेनेडियोमार्फिक टेक्सचर कम्स अंडर यूर इक्वीग्रेनुलर टेक्सचर के अंदर इक्वी ग्रेनुलर टेक्चर के अंदर वी हैव दैनिडियोमॉर्फिकोमोर्फिक एंड दलोट्रियोमार्फिक हम कब बोलते हैं व्हेन ऑल ग्रेन और ऑल क्रिस्टल्स आर यूहेड्रल इन शेप ड्रल सब हेड्रल अनहेड्रल बस इतना भी अगर याद रखते हो तो भी मतलब के कंडीशन क्या है ऑल द क्रिस्टल जितने भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर है माइक्रोस्कोप के अंदर सभी के सभी मोस्ट ऑफ द थिन सेक्शन के अंदर जो है वो शेप में होने चाहिए ठीक है यू हेड्रल क्या रहता है वेल डेवलप फेसेस डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है अगर फेसेस की अच्छे से तो तो उसको हम बोलते हैं वेल डेवलप फेसेस वेल डेवलप एजेस जब हम देखने को मिलते हैं दिस इज यूर यूहेड्रल ठीक है तो क्रिस्टल्स आर ऑफ अनहेड्रल और इरेगुलर शेप को हम पेनेडियो मार्फिक बोलते हैं जब यूहेड्रल रहेंगे इन्होंने बोला अन एन ये है अनहेड्रल विच इज अलोट्रियो नहीं मेजोरिटी ऑफ द क्रिस्टल आर फुल्ली डेवलप्ड क्रिस्टल तो फुल्ली डेवलप्ड क्रिस्टल को ही यूहेड्रल बोला जाता है ठीक है मेजोरिटी ऑफ क्रिस्टल्स आर मिक्सचर ऑफ यू हेड्रल एंड एंडहेड्रल तीनों का मिक्सचर नहीं है क्रिस्टल्स आर ऑफ सब नहीं सब क्रिस्टल के टेक्सचर को हाइपीडियोमोर्फिक टेक्सचर बोलते हैं तो ऑप्शन टू जो है वो होता है यहां पे करेक्ट टेक द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो तो आपके पास कुछ स्टेटमेंट है वन वन बाय सभी के स्टेटमेंट्स सभी पढ़ने पड़ेंगे और सभी स्टेटमेंट में यह देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट right है मतलब कि तीन स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो रॉन्ग है ऑफ अरेबियन सी इज हाई तो क्या अरेबियन सी की सैलिनिटी हाई है बट कंपेरिजन किसका है एवरेज के साथ किसके साथ ऑफ ऑफ बे बंगाल ओके कंपेरिजन है इसके बाद सैलिनिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द ऑफ अरेबियन सी ओके

ऑफ सी हाई है है ये तक ठीक लेकिन लो रेनफॉल की वजह से नहीं ये है उस एरिया में जितना भी लो एयर ह्यूमिडिटी है ना इस वजह से और लो एयर ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा ऑब्वियसली इवेपोरेशन ज्यादा होगा एंड दैट्स वाई ड्यू टू दैट इवेपोरेशन ऑब्वियसली यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट पे आपको सैलिनिटी देखने को मिलती है तो लो रेनफॉल की वजह से नहीं मतलब कि स्टेटमेंट तो रॉन्ग है इन्होंने राइट right वाला पूछा दी ऑफ बे ऑफ बंगाल सरफेस वॉटर इज कंपेरेटिवली लेस कम है कंपेरेटिवली क्योंकि हमने दोनों का कंपेरिजन किया क्यों ड्यू टू मोर इनफ्लक्स

ये कम है यहां पे भी बोला इसने बिल्कुल कंपेरेटिवली लेस है लेस है एक जो यहां पे रीजन दिया है वो बोला है कि भाई एनॉर्मस फ्रेश वाटर इनपुट मतलब इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर डिस्चार्ज की वजह से कम है अब यहां पे बोल रहा है कि लेस ड्यू टू लो लेवल भाई लो लेवल का कुछ नहीं है यहाँ पे लो लेवल इवेपोरेशन का कुछ नहीं है ठीक है mm. तो दिस इज द मेन रीजन कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्कुल जो आपको एनॉर्मस फ्रेश वाटर इनपुट जो देखने को मिलता है रिवर डिस्चार्ज की वजह से सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी इज हाइयर तो ये high है ये तो बात सच है हाँ सबसे ज्यादा नहीं क्योंकि सबसे ज्यादा तो अगर देखें तो फिर वगैरह बाकी बहुत सारी चीज़ें आते हैं सी वगैरह आते हैं तो अरेबियन सी सैलिटी हायर तो है बट किस वजह से ड्यू टू तो हाई इवेपोरेशन कंपेयर टू ऑफ बंगाल देखो इवेपोरेशन ज्यादा तो है कंपेरिजन भी पूछ रहा है बिल्कुल लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज्यादा रीजन जैसे कि लो एयर ह्यूमिडिटी और बाकी के भी बहुत ज्यादा थोड़ी से रीजन है जिसके वजह से बिल्कुल जो है लो सैलिनिटी सॉरी हाई सैलिनिटी वो दिखाता है तो यहां पे ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है वो होता है करेक्ट देखते नेक्स्ट वन मतलब के कोई भी लावा अगर, ये अगर है तो अगर सिलिका ज्यादा है तो उस लावा के अंदर तो विस्कोसिटी ज्यादा और विस्कोसिटी ज्यादा तो उस वोलकैनो का एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है इट तो इज डिटर्मन बाय इट्स सिलिका कंटेंट ओके द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ जिंक गैलेना नहीं गैलेना लीड का ओर है क्रोमाइट नहीं क्रोमाइट क्रोमियम का ओर है बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम का ओर है स्पेलेराइट हाँ यह है स्पेलराइट इज ओर ऑफ यूर जिंक स्पेलराइट रहता है स्मिथ्सोनाइट रहता है ठीक है ऑफ योर जिंक ऑप्शन फोर जो था वो था करेक्ट नेक्स्ट पूछा है कि लैम्प्रोफायर बेसिकली ऑकर एज तो बेसिकली किस तरह से लैम्प्रोफायर आपको मिलता है एज एन बैथोलाइट नहीं मोस्टली ग्रेनेटिक एन बैथोलाइट मिलते हैं लैकोलिथ नहीं प्लूटॉन्स नहीं एज एन डाइक एंड सील के फॉर्म में मोस्टली और कॉमनली लैम मिलता है अ फॉल्ट इन एन एरिया में बी ऑब्जर्व तो किस वजह से आपने किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फॉल्ट को ऑब्जर्व किया विद और विदाउट अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हैविंग टेकन प्लेस अलोंग इट्स सर्फेस तो अब इनिशियली सर्फेस जिसके अंदर कुछ भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है आफ्टर फ्रैक्चर और एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इसको और इसका सरफेस डिस्प्लेस होना ही है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट with दिखाना ही होगा place, अब बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट क्यों क्योंकि हर एक इंडिविजुअल फॉल्ट का अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा वहां पे और उस रीजन का जो डिफॉर्मेशन uh, लेवल है उसके ऊपर तो ये हो सकता है इफ अचर ओपन फ्रैक्चर उट अ रिलेटिव डिस्ट सिर्फ फ्रैक्चर का ओपन होना और डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसको फॉल्ट नहीं बोलते इफ देर इज अज ऑफ फ्रैक्चर इन अ रॉक मॉस अगर सीरीज है भी पैरल है नॉन पैरल है ये नहीं बताया है अगर फ्रैक्चर की सीरीज है भी तो क्या ये फॉल्ट हुआ नहीं तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए रिलेटिव तो ऑप्शन टू जो है वो है करेक्ट ओके, सो ई पार्किन इज आइडेंटिफाइड एट द बेसल पार्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एट बेसल पार्ट ऑफ किसके बेस में है, ठीक पार्कियन अंकनप्रमिटी का आप किस लिए जानी जाती है कि भाई आर्कियन एज और प्रोटेरोजोइक का जो एज है दोनों को सेपरेट करने वाली एक एंगुलर अनकनिटी को बोला गया है इप आर्कियन इप और आर्कियन अनक इंडिया के अंदर यह अच्छे से आपको तिरुपति और जो तिरुमाला वाला घाट सेक्शन है ठीक है जो घाट रोड है वहां पे आपको अच्छे से देखने को मिल जाती है ये इवन वहां जियस, का एक बोर्ड वगैरह भी लगा है तो इप आर्यनपर्मिटी ने आपके आर्किन एज के एज के अंदर कौन से कौन से रॉक है आपके मान लीजिए कि क्लोज पेड ग्रेनेट के अंदर वन कौन से बहुत सारे आते हैं यहाँ पे फिर आपके पास विंध्यन है कड़प्पा है विंध्यन तो ऊपर चला गया उसके नीचे कड़प्पा है मतलब कि कड़प्पा के भी बेस पे इन्होंने पूछा बेसल पार्ट तो कड़प्पा के भी बेस पे पूछा है ठीक है तो अगर इसके भी नीचे अगर कड़प्पा और या फिर इसके पैरल और भी इसकी इक्विवेलेंट भी एज में अगर कोई कम या फिर ज्यादा है तो मोस्टली गुलचेरू या फिर नागरी कॉर्डाइट तो यहाँ पे कॉर्डाइट मतलब एज एज का का एंड आर्कियन ग्रेनाइट को सेपरेट करने वाली एंगुलर अनकर्फर्मिटी को यहां पे इन्होंने बोला है इपार्कियन आकियनफर्मिटी जो कि आपको कर्न सिस्टम विंजन सिस्टम कड़प्पा सिस्टम अगर बेस देखे ठीक है रीजनल लेवल पे देखे तो ऑब्वियसली कड़प्पा सिस्टम आएगा लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर अच्छे से देखे क्योंकि ये स्टेटमेंट इतना क्लियरली नहीं है कहीं पे भी और फिर पर्टिकुलरली किसी की भी बुक के अंदर हर एक इंडिविजुअल देखना पड़ेगा उसके अंदर पता चलता है जब एज वाइज एक एक इंडिविजुअुअल देखोगे तो हाँ कड़प्पा के भी कंपेरेटिवली बिल्कुल जो कलादगी रीजन है या फिर जो कलादगी सेडिमेंट है से, वो थोड़ा सा नीचे मतलब कि और थोड़ा सा ओल्डर आते हैं और उसके बेस पे कहीं ना कहीं जो है वो आपको एंगुलर अनकर्मिटी का सिर्फ जिक्र कर दिया है उन्होंने विद रीजन सिर्फ इपार्किन नहीं बोला बट इट्स इनडायरेक्टली इट्स एन इपार्कियन अंकर तो इसका जो आंसर होता है वो है आपका कैलादगी सेडिमेंट। इन लायर स्ट्रक्चर इज फॉर्म देखो इजी है देखो इन कहना है तो हमेशा ओल्डर रॉक को कंसिडर कीजिए ओल्डर अगर इन है सराउंडेड यंगर तो ये हो गया इन लायर ओल्डर को अगर बाहर कर दो मतलब कि आउट कर दो ओल्डर को बाहर फेंक दिया अंदर यंगर को तो 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 ये ये क्या हो गया? ये हो गया गया ओल्डर ओल्डर आउट आउट इन इन ठीक है सो इन लायर पूछा तो क्या चाहिए ओल्ड को इन कर दीजिए वेन द ओल्डर रॉक सराउंडेड यंगर रॉक तो ओल्डर रॉक सराउंडेड यंगर इज योर इन लायर ओके वेन बोथ ओल्डर एंड यंगर रॉक बोथ की कंडीशन कहां से आए नहीं वेन बोथ ओल्डर एंड यंगर रॉक आर सराउंडेड बाय सिल्ल नहीं वेन यंगर रॉक सराउंडेड बाय ओल्डर तो यंगर रॉक सराउंडेड बाय ओल्डर वन इसको सीधी सी बातें याद रखना ओल्डर को ओल्डर इन तो इन लायर ओल्डर आउट बाहर तो आउट लायर तो ऑप्शन ए जो है या फिर फर्स्ट जो है वो है करेक्ट देखते नेक्स्ट वन तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन जिसमें पूछा है कि लाइजीमीटर इज यूज टू मेजर तो बहुत रेयरली या फिर बहुत कम हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर हम इसके बारे में देखते हैं बट इसको यूज में लिया जाता है फॉर इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए और इसके एक नहीं कई अलग अलग वर्जन या फिर अलग अलग मॉडल्स शायद आपको देखने को मिले जहां पे हो सकता है कि कोई गूगल की इमेज आपके बुक के इमेज के साथ मैच भी ना हो

ओरोजेनी क्या होता है ओरोजेनी मतलब के माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस तो ओरोजेनिक बेल्ट मतलब के जो माउंटेन रहते हैं तो अलोंग द माउंटेन मोस्ट टाइम आपको क्या हो? मिलते हैं देखने को मिलते हैं। फील्ड पर सीरीज, ठीक है इज नोन एज ऑर्थोक्स अल्बाइट सीरीज को आइसोम बोला क्या अल्बाइट सीरीज को ऑगाइट ऑगाइट इज अलबाइट अल्बाइट बाइटोवेनाइट सीरीज को ठीक है तो अब बचे तीन ये तो कटा गया अल्बाइट से लेकर बाइटोवेनाइट तक ओके आखिरी में अनोर्थोसाइट भी है अल्बाइट से लेकर अनोर्थो अनोर्थाइट तक तो ये कंप्लीट एक सीरीज बनती है ऑर्थोक्लेस से लेकर अल्बाइट तक ऑर्थोक्लेस अल्कली में चला गया ऊपर ये नीचे आ गया तो ये प्लेजोक्लेस है ही नहीं तो ये भी कट हो गया ठीक है ये बीच में आ गया तो एक ही कंप्लीट सीरीज बचती है विच इज योर अल्बाइट अनऑर्थाइट सीरीज जिसको बोलते हैं आइसोमोर्फस सीरीज ऑप्शन जो सेकेंड था वो था करेक्ट देखते नेक्स्ट वन क्वेश्चन फोर्टी पूछा है कोर्स ग्रेंड प्लुटोनिक रॉक कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ सोडिक्लैज एंड साइनाइट के अंदर आपको किस तरह के, -के? सभी के सभी मिनरल uh, कंपोजिशन देखने को मिलेंगे तो साइनाइट के अंदर मोस्टली आपको जो है वो के फिल्ड्स पार है या फिर हो सकता है कि क्वार्स का अमाउंट है थोड़ा सा ज्यादा मिले और इसके साथ और भी मिनरल्स ग्रेनाइट भी जाना जाता है इसके के, के लिए कंटेंट के लिए ज्यादा ज्यादा रहता रहता है है क्या इसके साथ एने भी रहता है? हाँ, कुछ एने वाले भी रहते हैं प्लस कॉर्ड भी रहता है लेकिन इन्होंने पूछा कि सोडियो प्लाजोक्लिस एने और हॉर्नब्लेंड डायोराइट क्योंकि एक इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक है तो यह जाना जाता है इसके अल्बाइट कंटेंट के लिए भी और प्लस हॉर्नब्लेंड कंटेंट के लिए भी ऑब्वियसली एक प्लूटोनिक इक्विवेलेंट है आपके बेसॉल्ट का तो इसके अंदर आपको जो है ऑलिविन भी देखने को मिलता है इसेंशियल के तौर पे पाइरोक्सिन भी देखने को मिलता है मोस्ट प्रेफरली सी पी एक्स ओनली नॉट ओपीएक्स और इसके साथ साथ प्लेजुक्लेस भी है बट इस टाइम हमारे पास कैल्शियम रिच प्लेजुक्लेस है तो यहां पे जो आंसर है वो है डायोराइट मार्क चैटर मार्क आर द हॉर्स शू लाइक इंटेंडेशन ऑन पॉलिश रॉक सरफेस लेफ्ट बाय एक तरह के क्रिशन शेप के मार्क्स रहते हैं जो स्टेप लाइक रहते हैं यहां पे क्रिशन शेप थोड़ा सा दूर जाके और क्रिशन शेप ठीक है और क्रिशन शेप कुछ इस तरह के का अपियर रहता है और एक किस वजह से होता है इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट ऑफ वॉटर ओवर द रॉक सरफेस मोबाइल ग्लेशियल्स हाँ मोमेंट ऑफ ग्लेशियर से रहता है मोमेंट ऑफ विंड नहीं मोमेंट ऑफ टर्बिडिटी नहीं तो ये मोमेंट ऑफ ग्लेशियर की वजह से मिलते हैं ठीक है सो ऑप्शन सेकेंड जो है वो है करेक्ट दीज आर चार्टर मार्क्स नॉट ड्यून्स छोटे छोटे रहते क्रिशन शेप के दिखा देता हूं एक मिनट इन्हें हम बोलते हैं चार्टर मार्क्स जो कि एक क्रिसेंट शेप के अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये कोई फ्लैट एक प्लेन के ऊपर नहीं रहते हैं जस्ट एक प्लेन के ऊपर नहीं एक क्रिसेंट शेप अगर यहां पे तो नेक्स्ट एलिवेशन या फिर हायर प्लेन के ऊपर कुछ इस तरह से और ये आपके ग्लेशियल के मूवमेंट के वजह से होता है फॉर्म ये ड्यून नहीं है सो ऑप्शन टू जो था मूवमेंट वाला वो है करेक्ट देखते हैं नेक्स्ट वन ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूथ कॉर्डाइट मूथ कॉर्डाइट जाना जाता है इसके हमेशा एज के लिए क्या है डेवोनियन और कि ये भाई कहीं पर भी फॉसिल नहीं है तो अनफॉसिलिफेरस है क्या तो यस इट्स अनफॉसिलिफेरस करेक्ट है फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है ये आपको नदन रीजन में ही मिलेगा ठीक है तो इट्स नॉट इन नॉर्थ लेकिन अनफॉसिलिफेरस है फॉसिलिफेरस नहीं यहां फॉसिल है ही नहीं ठीक है एंड फाउंड इन कच एरिया नहीं कच एरिया के अंदर नहीं नदन एरिया के अंदर है मरीन सेडिमेंट्स एंड रिच फॉसिल फॉसिल ही नहीं है अनफॉसिलिफेरस है क्या यस मूथ कॉर्ड क्योंकि ये है ना सेडिमेंट रॉक तो नहीं है ठीक है अनफॉसिलिफेरस डेवोन एज फाउंड इन काश्मीर एंड स्पीति वैली तो यस तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट कॉर्डजाइट के अंदर कहां से फॉसिल आएगा

तो ऑप्शन टू जो है वो होता है यहां पे करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन जियोलॉजिकल टाइम स्केल सब डिविजन स्टार्टिंग विथ लार्जेस्ट इज तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल सब डिविजन स्टार्टिंग विथ लार्जेस्ट बोला है सबसे बड़ा कौन रहता है इरा नहीं नहीं इन सबसे बड़ा रहता है तो स्टार्टिंग इन से हुए चलिए के बाद दो नंबर पर उन्होंने पूछा है इोन के बाद पीरियड रहता है ईरा रहता है ऑटोमेटिकली ईन उससे छोटा इरा उससे छोटा पीरियड और उससे छोटा टाइम स्पैन जो है वह इपॉक ऑप्शन फोर्थ या फिर डी जो है वो है करेक्ट आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लैनेट विच आर रेफर्ड एज टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल मतलब वो इनर वाले बिल्कुल ठीक है तो मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है क्या यस सैटन आउटर प्लैनेट है जुपिटर आउटर जुपिटर आउटर या फिर जुबिनाइल भी बोलते हैं मर्क्यूरी हाँ इनर प्लैनेट है वीनस इनर अर्थ इनर मार्स इनर इनर सिक्वेंस भी है फ्रॉम सन बिल्कुल तो ऑप्शन डी जो है या फिर फोर्थ जो है वो है करेक्ट मर्क्यूरी विनस अर्थ और मार्स ऑल आर यूर टेरिस मतलब के इनर प्लैनेट्स आइसोक्लाइनल फोल्ड आर तो आइसोक्लाइनल फोल्ड की अगर हम बात करें

ग्रुप ऑफ फोल्ड इन विच ऑल एक्शल प्लेन आर इसल मीनिंग दैट ऑल कंपोन एट इक्वलोलाइन का मीनिंग डीप होना चाहिए तो यह आपका इक्वल डीप अमाउंट और दूसरी बात सभी के सभी एक्शल प्लेन जो है वो एक दूसरे को पैरल होने चाहिए यह बात फोल्ड विथ इंक्लाइन एक्सिस प्लेन इन विच बोथ आर डिपिंग एसेंशियली एट द सेम जनरल डायरेक्शन एक्शिल प्लेन और जो लिम्ब है वो डायरेक्शन पे नहीं रहेंगे टाइप्स ऑफ ओवरटन फोल्ड इन विच द एक्शिल नहीं रहता है एक्शिल प्लेन आर इसली वर्टिकल इसली वर्टिकल ही रहे बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं है अगर ओवरटन बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा साई होता है विद एसोक्नल फोल्ड डीप ऑफ बेड इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज क्योंकि जब किसी भी बेड का हम डीप बोलते हैं तो एक तो उसको डीप को अमाउंट होती है और प्लस उसको एक कोई ना कोई डायरेक्शन वगैरह होती है ठीक है सो डायरेक्शन एंड मैग्नेट्यूड एंड लास्ट वन एंड अनकिटी इज आइडेंटिफाइड एज एंड अल्टरनेट लेर एंड सैन स्टोन नहीं बोल्डर एंडस्टोन uh, का यहां पर लेकिन जो बोल्डर बेड या फिर पेसल कॉन्ग्लोमरेट जो रहता है उसके वजह से आप फील्ड के अंदर हाँ हो सकता है अनकनफर्मिटी को आइडेंटिफाइड कर सको अ लेपॉजिटेड इन अ सिक्वेंस ऑफ रॉक तो layer of shale का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है अनकन्फर्मिटी हम इरोजनल सर्फेस के रिलेटेड बोलते हैं सर्फेस ऑफ इरोजन ये रहा और नॉन डिपोजिशनल और बोथ तो अगर चेंज इन रॉक और गैप इन टाइम अगर ये बोले नॉन डिपोजिशनल सो फर्स्ट एक तो चेंज इन रॉक जो कि एज ए नॉन कन्फर्मिटी के अंदर आता है और गैप इन टाइम अगर ऐसा टाइम अगर आता है तभी इसको परफेक्टली अनकंफर्मी बोलती अब उसके टाइप्स है तो बोथ आर इंफर्ड इन सीक्वेंस रॉक तो यस ये रहता है लेर ऑफ सीक्वेंस इंक्रूडेड बाय प्लून सिर्फ इंट्रूज होना मतलब कि अनकन्फर्मिटी नहीं रहती है तो ऑप्शन थ्री जो है यहां पे वो होता है करेक्ट तो ये थे आपके कंप्लीट फर्स्ट पार्ट के 50 क्वेश्चन ऑफ योर पॉडिच्वर यूनिवर्सिटी 2019 ठीक है आफ्टरनून में थोड़ी देर में इसके सेकेंड पार्ट का लिंक आपको आ जाएगा मेंबर्स ओनली कम्युनिटी टैब में, में चले जाइए वहां से आप लिंक क्लिक कर दीजिए ठीक है और कुछ भी हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर स्क्रोल हो रहा है उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो ये स्ट्रीम यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ